हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो आज हम भाई दूज के दिन जा रहे हैं, जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है एप्पल आईफोन, तो आईफोन 12 प्रो मैक्स लेने जा रहे हैं मेरी सिस्टर के लिए। तो भाई दूज का गिफ्ट है मेरी तरफ से इसको, तो हम जाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि वो कैसा प्रोडक्ट है, उसका रिव्यू भी देंगे, साथ साथ फीचर्स भी बताएंगे और एक और बार उसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे साथ साथ। तो चलिए चलते हैं आगे, लेट्स गो। तो गाइस, बेसिकली हम यहाँ पे टेस्को स्टोर आए थे आईफोन लेने, बट फिर मन किया कि फिर शॉपिंग नहीं कर ले। जैसे मेरे को ये टी शर्ट पसंद आई है, वह एक टी शर्ट कॉस्ट बेसिकली 8 pounds या 10 pounds है लियर के अकॉर्डिंग, 801,000 rupees। बट क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ के पास मेम्बरशिप कार्ड है यहाँ का, तो हमें टोटल जो कॉस्ट पड़ी है 4 t-shirts की, इट वॉज़ लाइक अराउंड 12 pounds। तो 1200 में 3 t-shirts मिल गई अच्छी खासी और अच्छे ब्रांड्स की, अपने ऐप की ब्रांड बड़ा बहुत बड़ा ब्रांड है, तो करीब 400 की एवरेज पड़ गई है, बहुत अच्छा हमें पड़ गया कॉस्टिंग। तो अगर आप यहाँ पे हो या कभी रिलेटिव से मिलने आओ या टूरिस्ट से मिलने आओ तो आप ज़रूर शॉपिंग करो। सिर्फ टी शर्ट्स के लिए नहीं, बाकी चीज़ें भी जैसे प्रोटीन शेक्स हैं, प्रोटीन पाउडर्स हैं, वो भी बहुत कम कम दामों पे मिल रहे हैं, और क्योंकि क्रिसमस आने वाला है तो और डिस्काउंट मिल रहा है 25% 30%, चाहे वो किसी भी चीज़ पे हो। तो मैं ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी आओ शॉपिंग ज़रूर करें। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो मैं अभी बम्बली आया हूँ, तो पहले मैं हेज में था टेस्को स्टोर में, तो वहाँ हम पता कर रहे थे कि आईफोन 12 प्रो वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, बट वो पूरी बुकिंग थी तो मिला नहीं, उन्होंने कभी स्टॉक में ख़त्म हो गया। तो हम अभी बम्बली आए हैं घूमने, बट एक चीज़ बता दूँ कि जो यहाँ पे एप्पल की जो आईफोन प्रोडक्ट है उसकी कॉस्टिंग है इंडिया की कॉस्टिंग से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जो हमें यहाँ पे मिल रहा है डिस्काउंट के बाद या मेम्बरशिप कार्ड यूज़ करने के बाद वो करीब 850 pounds का मिल रहा है, विच इज़ 85,000, और वही फ़ोन इंडिया में अगर हम खरीदेंगे तो 130,000 का है। तो आप देख सकते हैं करीब 50,000 का डिफरेंस है, और हो सकता है कि GST लग के और महंगा हो जाए। तो अगर कोई यहाँ से बुक करके ख़रीदना चाहता है, क्योंकि अगर रिलेटिव है फ्रेंड है तो उसे मंगवा लो, क्योंकि अनलॉक फ़ोन है तो वो वहाँ भी चलेगा और यहाँ भी चलेगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अब हम ये शॉपिंग के लिए आए हैं, तो यहाँ भी एक बार शॉपिंग के लिए कुछ स्टोर्स वगैरह देख लेते हैं कि किस तरह के हमें आइटम्स मिल सकती है, क्लोथिंग आइटम्स। तो चलिए आगे चलते हैं। कि मैं बम्बली एरिया पे हूँ, बम्बली हाई स्ट्रीट है ये, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बजटेड एरियाज में से एक है, चाहे वो साउथ हॉल हो या बम्बली हो, आपको बहुत ही लिमिटेड प्राइस में अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं। उसके अलावा आप जो अपने इंडिया में आइटम्स लेते हो, चाहे कोई भी सब्ज़ी हो, आप देख सकते हो यहाँ पर, तो वो भी आप देख सकते हो, तो आपको बिल्कुल इंडिया जैसा ही नज़ारा मिलेगा और ज़्यादा कमी महसूस होगी नहीं। अगर आपको सही एरियाज़ पता है जहाँ पे आपको इंडिया की आइटम जैसे आप खाना खाते हो वैसा चाहिए, या जैसे वहाँ पे रहते हो वैसा चाहिए, तो काफ़ी एरियाज है, और बम्बली और साउथ हॉल वैसे दो एरियाज़ में से एक हैं। तो आगे जब मैं और एक्सप्लोर करूँगा लंदन को, मैं आपको फिर दोबारा बताऊँगा कि और कैसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप सिमिलर आइटम्स ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं और अगली बार अलग तरह की वीडियो लाऊं और आपको एंटरटेन कर सकूं। गुड बाय।